The question is that in this question we have to find the integration from 0 to pi by 2 of sine raised to power 5x into cos raised to power 6x dx. तो हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे सेपरेट करके लिखेंगे. यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 0 टू पाई बाय 2. इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस रेज टू पावर 6 एक्स डी एक्स. ठीक है, अब यहाँ से हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पर रिप्लेस करते हैं इसे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 टू पाई बाय 2 इंटू ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन का होल स्क्वायर इंटू कॉस रेज टू पावर 6 एक्स डी एक्स. ठीक है, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे. नाउ यहाँ से हम कॉस एक्स आएगा हमारे पास, कॉस थीटा नहीं, ये हमारे पास कॉस एक्स आएगा क्योंकि साइन एक्स को रिप्लेस किया था, तो एंगल चेंज नहीं होगा हमारे पास. ठीक है, अब यहाँ से सब्सटीट्यूशन करेंगे हम, कॉस एक्स को इक्वल टू पुट करेंगे टी के. दोनों साइड अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. तो मतलब यहाँ से हम साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी. तो सब्सटीट्यूट किस तरह करेंगे वो देखते हैं. कॉस एक्स की जगह हम पुट करेंगे टी, ठीक है, और साइन एक्स इंटू डी एक्स इसकी प्लेस पे पुट करेंगे माइनस डी टी. तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस. अब लिमिट्स भी हमारे पास चेंज होगी. ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे एक्स को जीरो पुट किया, ठीक है, कॉस को एक्स को अगर जीरो पुट किया तो कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1 हमारे पास. ठीक है, तो मतलब अगर हमने एक्स को जीरो पुट किया तो टी की वैल्यू क्या हो गई, 1. और कॉस पाई बाय 2 और एक्स के प्लेस पे अगर हमने पाई बाय 2 पुट किया, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0. तो मतलब एक्स को हमने जीरो पुट किया तो टी की वैल्यू, अगर हमने एक्स को पाई बाय 2 पुट किया, हमने यहाँ पे एक्स को पाई बाय 2 पुट किया तो टी की क्या आ गई हमारे पास, वैल्यू 0. तो लिमिट्स यहाँ पे कैसे चेंज हो जाएगी हमारे पास, 1 से 0. ठीक है, तो लिमिट्स हमारे पास यहाँ से आ गई 1 से 0. अब यहाँ से देखते हैं, 1 माइनस कोस के प्लेस पे टी लिख सकते हैं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू टी रेज टू पावर 6 इंटू में साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसे रिप्लेस कर सकते हैं माइनस डी टी से. तो माइनस पहले बाहर लिख दिया हमने. ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर हमारे पास होता है लिमिट ए टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस लिमिट फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये जो माइनस साइन है ये लिमिट्स ये ऊपर चली जाएगी, लिमिट ये नीचे आ जाएगी. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट फ्रॉम 0 टू 1. ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर ए माइनस बी होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 प्लस में टी रेज टू पावर 4 माइनस टू टी स्क्वायर इंटू टी रेज टू पावर 6 डी टी. इट विल बी इक्वल्स टू लिमिट फ्रॉम 0 टू 1. अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी रेज टू पावर 6 प्लस में टी रेज टू पावर 10 माइनस में 2 इंटू टी रेज टू पावर 8 डी टी. अब इजीली इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टी रेज टू पावर 7 अपॉन में 7 प्लस में टी रेज टू पावर 11 अपॉन में 11 माइनस 2 इंटू टी रेज टू पावर 9 अपॉन में 9 लिमिट फ्रॉम 0 टू 1. ठीक है, ये आ गया. अब लिमिट्स पुट करते हैं, अगर हमने पहले 1 पुट किया तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 7 प्लस में 1 अपॉन 11 माइनस में 2 अपॉन 9 माइनस, अब जीरो पुट करते हैं लिमिट तो सारी जीरो हो जाएंगी, तो ये जीरो हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे डिनोमिनेटर में बनेगा हमारे पास 11 इंटू 63. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 63 माइनस 2 इंटू 77 प्लस 99. ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78 अपॉन में 693. सो दिस वुड बी द आंसर. एंड हमारा जो
फर्स्ट ऑप्शन वो करेक्ट होगा, ये हमारे पास होगा 8 अपॉन 693।